नमस्कार जय हिंद। पूर्व सैनिक जेएसयू ओआर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वैकेंसीज हम लेके आए हैं, जिसमें गवर्नमेंट जॉब्स और डायरेक्ट जॉब्स भी हैं। आने वाले वीडियो में हम ऑफिसर्स और डिपेंडेंट्स ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए लेके आने वाले हैं वीडियो, जिसमें कि उनके लिए अपडेट्स रहने वाले हैं। तो चलिए अभी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, डिपेंडेंट्स अगर रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सैनिक वेलफेयर रिसर्च को ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स, वेलफेयर अपडेट्स, बाकी जो डिटेल्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे, तो उसको आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि कई बार शॉर्ट नोटिस में कुछ वैकेंसीज आते हैं तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर देते हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट अभी वैकेंसीज हैं। सबसे पहला है तेजपुर यूनिवर्सिटी। अभी हम डिस्कस करेंगे जेएसयू ओआर के लिए जो वैकेंसी है। तेजपुर यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एप्लीकेशन इसमें रिसीव हो रहा है, इसका लास्ट डेट है 15 मई 2024 और इसके लिए हार्ड कॉपी जो भेजेंगे वो है 25 मई 2024। टोटल वैकेंसी 22 है। इसमें जो वैकेंसी है तेजपुर यूनिवर्सिटी में वो है एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क 6 और एमटीएस 5। इसमें टोटल वैकेंसी तो 22 है, लेकिन हमारे पास जो एक सर्विसमैन के लिए जहां रिजर्वेशन मिल रहा है उसी का हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एलडीसी और एमटीएस के लिए पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं पूर्व सैनिक, जो भी हमारे आसाम के पूर्व सैनिक हैं उनके लिए। उसके बाद नेक्स्ट है आईआईटी बॉम्बे, इसमें असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का पोस्ट है जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर का है। टोटल इसमें वैकेंसी है 4। इसमें जेएसयू हो, ओआर हो, एनसीओ हो, सभी इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी इसमें डिसेंट सैलरी है, 35,400 से लेके 112,400 के बीच में इसमें सैलरी रहेगा। जिनके पास, जो भी पूर्व सैनिक के पास बैचलर डिग्री है या डिफेंस ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी है तो उसके बेस पे ये अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, इसका लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2024। उसके बाद नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें टोटल वैकेंसी है 26। इसमें एक सर्विसमैन के लिए 5 वैकेंसी रिजर्व है, बहुत ही क्रीम वैकेंसी है। और इसमें पोस्ट वाइज रिजर्वेशन देखा जाए तो एचपी एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए 1 और तहसीलदार के लिए 4 पोस्ट, यानी टोटल 5 पोस्ट रिजर्व है एक सर्विसमैन के लिए। इसका जो लास्ट डेट है वो है 2 मई 2024। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फी भी इसमें नील है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो चाहिए ग्रेजुएशन, डिफेंस ग्रेजुएशन के बेस पे भी इसको अप्लाई किया जा सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो मेस्को का है। मेस्को के ऊपर हम एक एलैबोरेट वीडियो लेके आने वाले हैं। महाराष्ट्र एक सर्विसमैन कॉरपोरेशन लिमिटेड, यहाँ जो एक सर्विसमैन सिक्योरिटी गार्ड के लिए वैकेंसी है और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 16 मई 2024 से स्टार्ट होगा। अभी इसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। डीजीआर स्केल में इसका एरिया ए का इसमें पेमेंट मिलेगा, एरिया ए में अच्छा खासा पेमेंट मिलता है। आपको अगर डीजीआर स्केल एरिया वाइज पता करना है अप्रैल 2024 का लेटेस्ट अपडेट, तो वीडियो खत्म होगा आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा, उसको आप एक बार देख लें। उसका पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है, उसे भी आप रेफर कर सकते हैं। इसमें लास्ट डेट जो है वो है 56 ईयर्स, 56 साल इसका लास्ट डेट है। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th प्लस पास चाहिए। जॉब लोकेशन रहेगा आर्टिलरी सेंटर हैदराबाद, जो जॉब लोकेशन रहेगा। इसके लिए तो आपको जानकारी प्राप्त करना है तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, श्री डी सूर्या राव हैदराबाद, इनसे बात करके इनके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और आप डिटेल्स पता कर सकते हैं। उसके बाद अब हम देख लेते हैं डीजीआर सिक्योरिटी एजेंसीज का। हमारे पास उत्तर प्रदेश से ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे तो अभी हम उत्तर प्रदेश के जितने भी सिक्योरिटी एजेंसी हैं, डीजीआर सिक्योरिटी एजेंसी, उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। तो ये जितने भी एजेंसी हैं वहां पूर्व सैनिक जाके वहां पे इंक्वायरी कर सकते हैं और इससे संबंधित जो वैकेंसी है उससे संबंधित जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 5 डीजीआर सिक्योरिटी एजेंसी हैं। आने वाले वीडियो में हम ऑफिसर्स और डिपेंडेंट्स ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए वैकेंसी लेके आने वाले हैं, तो उसको मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।